तो पीछे में आप लोग जो एक बड़ा सा बिल्डिंग देख सकते हो, ये 3-in-1 फार्म है। ये अगर आप लोग एक बार बना लिया तो फिर आप लोगों का शुगर कैन, बोन मील एंड कैक्टस का कोई भी कमी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप लोग इसका प्रोडक्शन का अंदाजा लगा सकते हो, एक टाइम में इतना शुगर कैन, इतना कैक्टस एंड बोन मील आप लोगों को मिलेगी, किसी ने सोची ना होगी। ओके, तो हम लोग हमारा बिल्ड पे आते हैं। यहाँ पर पहले कोई भी ब्लॉक लगाना होगा एंड उसके ऊपर हम लोगों को लगाना होगा पिस्टन। अबे पीछे क्यों, सामने की ओर। पिस्टन का पीछे एक ब्लॉक, देन इस ब्लॉक का ऊपर हम लोगों को उस तरफ में फेस किया हुआ एक ऑब्जर्वर लगाना होगा, ताकि ऑब्जर्वर का जो रेड डॉट वाला साइड है वो इस तरफ है, एंड पीछे हम लोगों को एक रेड स्टोन लगा देना होगा। देन हम लोगों को आसपास ग्लास ब्लॉक से कवर कर देना होगा। देन सामने वाला साइड में एक चेस्ट, एंड इस चेस्ट में एक हॉपर, एंड लास्ट वाले हॉपर इस हॉपर से कनेक्ट कर देना होगा। एंड साइड में हम लोगों को एक ब्लॉक डीप करना होगा एंड यहाँ पर पानी भर देना होगा। देन पानी का ऑपोजिट साइड में हम लोगों को डिस्पेंसर लगा के बीच में एक शुगर कैन प्लेस कर देना होगा। डिस्पेंसर का पीछे हम लोगों को एक रेडस्टोन क्लॉक बनाना होगा, इसीलिए पहले एक ब्लॉक, उसके बाद हम लोगों के पीछे में 3 रेडस्टोन एंड 1 रेडस्टोन इस ब्लॉक का ऊपर, एंड इस ब्लॉक का दोनों साइड में हम लोगों को लगा देना होगा जो रेडस्टोन टॉर्च होती है, वो दोनों साइड में लगा देने के साथ साथ हमारा जो क्लॉक है वो बन के तैयार हो गया। देन इस रेडस्टोन क्लॉक का साइड में आप लोगों को ब्लॉक प्लेस कर देना होगा, ये ऑप्शनल है, मैं उसका लुक्स अच्छे करने के लिए ये कर रहा हूँ। देन डिस्पेंसर का ऊपर हम लोगों को लगा देना होगा हॉपर, उसके ऊपर चेस्ट, देन फिर से एक हॉपर, हॉपर का ऊपर कंपोस्टर, देन एट लास्ट कंपोस्टर का ऊपर फिर से हॉपर लगा देना होगा। देन हॉपर के ऊपर हम लोगों को एक ग्लास लगाना होगा, इस ग्लास का चारों साइड में हम लोगों को 4-4 ब्लॉक लगा देना होगा, 1, 2, 3 एंड 4, ऐसे ही हमको हर एक साइड में करना होगा, एंड बीच का जो जगह होगा उसको फिलअप भी कर देना होगा। अब इसको फिलअप करते हैं। देन हॉपर के ऊपर का ग्लास को हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा। देन एक एक ब्लॉक का गैप देके हम लोगों को सैंड लगा देना होगा, एकदम बिल्कुल ऐसे। देन साइड में हम लोगों को एक ब्लॉक ऊंचाई पे हम लोगों को वॉल बना देना होगा। देन चारों कॉर्नर पे हम लोगों को पानी डालना होगा। हम लोग जो सैंड लगाया था उसके ऊपर हम लोगों को कैक्टस लगाना होगा। देन दोनों कैक्टस का बीच में जो खाली जगह है वहां पर हम लोगों को फेंच लगा देना होगा। कैक्टस वाले फेंच को छोड़कर जो बीच में जो फेंच आती है उसको हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा कैक्टस फार्म एकदम रेडी है, एंड यहाँ पर हम लोग ऊपर में लेयर भी बना सकते हैं। जितना सारा लेयर बनाएंगे उतना एफिशिएंट होगा हमारा इस फार्म। एंड हमको यहाँ पर लाइटिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा लाइट होगा हमारा इस कैक्टस का प्रोडक्शन उतना ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर कैक्टस ग्रो होती है एंड फेंस से टकरा के वो टूट जाता है, जो नीचे कॉम्पोस्टर की वहाँ जाके बोन मिल में कन्वर्ट होती है, एंड उस बोन मिल से शुगर कैन ग्रो होती है। यहाँ पर अगर आप लोग कॉम्पोस्टर हटा दोगे तो फिर आप लोग को कैक्टस मिलेगी, एंड इसे शुगर कैन वाला प्लेटफॉर्म के वहाँ पर डिस्पेंसर हटा दोगे तो फिर आप लोगों को बोन मिल मिलेगी, एंड पूरा सेटअप रखोगे तो फिर हम लोगों को शुगर कैन मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने 5 फ्लोर का एक बहुत बड़ा सा शुगर कैन, बोन मिल एंड कैक्टस फार्म बनाया है। ये सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, इसका प्रोडक्शन भी बहुत खतरनाक है। हम लोगों को एक बार इसका सिर्फ स्विच ऑन करना है, एंड ये मशीन आप लोगों को बैठे बैठे शुगर कैन देगी, जिससे पेपर बना के विलेजर से स्ट्रेट करके आप लोग करोड़पति बन सकते हो। वैसे एक तरफ से देखा जाए तो एक अनलिमिटेड एमरल्ड फार्म भी है। तो अब इसका प्रोडक्शन देखते हैं। इन भाई साहब ने हमारा बात करते करते यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से ऊपर स्टैक्स ऑफ शुगर कैन बना डाला। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड इस वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।